तो अगर आप भी मेरी तरह दिल्ली कैपिटल के बहुत ही बड़े फैन हैं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, इन युवाओं की टीम के बहुत ही बड़े फैन हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत तो तब होती है जब कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने की। दोनों ने मिलकर 5 ओवर में 51 रन जोड़ डाले। धवन ने 14 गेंद में 26 रन जबकि पृथ्वी ने 16 गेंद में 25 रन बनाए थे। 26 रन के स्कोर पर ही धवन को वरुण चक्रवर्ती ने इयान मॉर्गन के हाथों कैच करवा दिया। दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ ने आईपीएल करियर का 6ठा अर्धशतक गड़ा। मैच 35 गेंदों में उन्होंने 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 50 रन पूरे किए। हालांकि 66 रन के निजी स्कोर पर वे कमलेश नागरकोटी की गेंद पर शुभनम गिल के हाथों कैच आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों आईपीएल में पृथ्वी ने 6वीं और श्रेयस ने 14वीं 50 लगाई है। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 73 रन की पार्टनरशिप हुई। इससे पहले पृथ्वी और शिखर के बीच में 56 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी। दिल्ली ने इस सीजन में पावर प्ले में 5 बार सबसे बड़ा स्कोर 1 विकेट को कर 57 रन बनाए हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सबसे ज्यादा 69 रन, फिर उसी मैच में पंजाब ने राजस्थान के खिलाफ 60 रन बनाए थे। पृथ्वी शॉ की 66 रन की विस्फोटक पारी के बाद में आउट हो जाने के बाद ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत ने जो शुरुआत की और जो ताबड़तोड़ पारी खेली वो वाकई में दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बहुत बड़ा इनिशियल बूस्टअप रहा है। ऋषभ पंत ने किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा, उन्होंने 38 रन की विस्फोटक पारी खेली। दिल्ली कैपिटल के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इस पारी में 4 चौके और 3 छक्के जड़े। श्रेयस अय्यर 38 गेंदों में 88 रन बनाकर और हिटमायर 7 रन बनाकर नाबाद रहे। यहाँ पे तारीफ करनी होगी श्रेयस अय्यर की, जिन्होंने एक कप्तानी पारी खेलते हुए 38 गेंद में एक विस्फोटक पारी 88 रन की खेली है, जो टीम के लिए एक बड़ा टारगेट देने में सक्सेस हो पाई है। दोस्तों इस मैच में आपको ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों की विस्फोटक पारी देखने को मिल जाती है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सीजन का सबसे बड़ा 229 रन का टारगेट दे दिया है। इससे पहले किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल को इसी मैदान पर 224 रन का टारगेट दिया था, लेकिन दोस्तों वहां पे कमाल की बात ये भी थी कि राजस्थान रॉयल ने उस टारगेट को सेज भी कर लिया था। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर के ऊपर कई सारी निगाहें होंगी, कई सारी बातें होंगी, क्या वो इनको चेज कर पाते हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी होगी कि आंद्रे रसल्स के ऊपर काफी हद तक निगाहें होगी, आंद्रे रसल्स किस एंगल से इस मुकाबले को रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे विस्फोटक पारी की जरूरत तो रहने वाली है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो दिनेश कार्तिक और बाकी कई खिलाड़ी है वो नॉर्मल एंड एवरेज खिलाड़ी है, लेकिन अब यहाँ पे आंद्रे रसल्स की काफी हद तक डिमांड होने वाली है। 229 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर को पहला झटका ओपनर सुनील नारायण के तौर पर लगा, जो 3 रन बनाकर एनरिच नॉर्थजे का शिकार बने। ओपनर सुनील नारायण का फ्लॉप शो एक बार फिर से जारी रहा। शुभनम गिल ने 22 गेंदों में 28 रन की पारी तो खेली, लेकिन वो बड़े स्कोर तक नहीं जा सके। अमित मिश्रा ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसा लिया और उनका कैच ऋषभ पंत ने पकड़ा। केकेआर के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसल्स भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। 8 गेंदों में 13 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर नॉर्थजे को अपना कैच थमा बैठे। ऐसे में दोस्तों केकेआर पर शुरू से ही काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका था। इसमें बाद में नीतीश राणा और हर्षल पटेल ने काफी अच्छी पार्टनरशिप करी थी और काफी हद तक टीम को वहां से बाहर निकालने का काम इन दोनों खिलाड़ियों ने किया था। नीतीश ने 35 गेंदों में 58 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के भी शामिल है। कप्तान दिनेश कार्तिक का बल्ला एक बार फिर नहीं चला, उन्होंने 6 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया। पैट कमिंस को नॉर्थजे ने 5 रन पर आउट करवा दिया। कोलकाता के लिए ताबड़तोड़ छक्के लगाकर टीम को लक्ष्य के करीब ले जाने वाले इयान मॉर्गन को नॉर्थजे ने 44 रन पर हेडमायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इयान मॉर्गन ने एक ताबड़तोड़ पारी खेली। राहुल त्रिपाठी और इयान मॉर्गन ने इस मुकाबले को इतना रोमांचक बनाया कि लास्ट ओवर में उन्हें तकरीबन 28 से 30 रन की जरूरत थी। इस मुकाबले को इतना रोमांचक बनाया कि लास्ट ओवर में यानी आखिरी 6 गेंदों में 26 रन की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों फिर भी राहुल त्रिपाठी आउट हो जाते हैं, इन्हें आउट करने का काम करते हैं मार्कस स्टोइनिस, जो यॉर्कर डालकर इन्हें आउट कर देते हैं और इस तरह से वो 26 रन नहीं बन पाते हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर मुकाबला जीत लिया और एक इतिहास रच दिया है। दिल्ली कैपिटल्स अब पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर रही है। ऐसे में दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अब ये मुकाबला काफी रोमांचक हुआ है। कोलकाता की टीम में एक बदलाव किया गया, स्पिनर कुलदीप यादव की जगह राहुल त्रिपाठी को मौका दिया गया। वहीं दिल्ली की टीम में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 2 बदलाव किए।
ईशांत शर्मा और अक्षर पटेल को बाहर कर उनकी जगह रविचंद्र अश्विन और हर्षल पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया। अश्विन हाल ही में चोट से उभरे हैं। दोनों टीमों सीजन में दो दो मैच जीत चुकी है। दोनों के बीच पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो 3 बार दिल्ली को जीत मिली है, वहीं कोलकाता ने 2 बार दिल्ली को हराया है। इस सीजन की पॉइंट टेबल में दिल्ली दूसरे और कोलकाता तीसरे स्थान पे है। ऐसे में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन टॉप में रहेगी। अगर आप बात करते हैं दोनों खिलाड़ी के महंगे प्लेयर की, तो दिल्ली में ऋषभ पंत और सिमरन हटमायर सबसे महंगे खिलाड़ी की श्रेणी में सबसे पहले आते हैं। और आज ऋषभ पंत ने जो 38 रन की विस्फोटक पारी खेली वो वाकई में काबिले तारीफ है, और दिल्ली कैपिटल के लिए एक इनिशियल और एक बहुत ही बड़ा टारगेट देने के लिए भी बहुत ही काबिले तारीफ मानी जाती है। कोलकाता की अगर आप बात करते हैं तो पैट कमिंस बहुत ही महंगे खिलाड़ी माने जाते हैं और IPL 2020 के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर यही रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इनका आज कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने इन्हें बहुत ही ज्यादा आड़े हाथ लिया। कहीं ना कहीं वो बात सामने आ जाती है कि महंगे प्लेयर भले ही क्यों ना हो, लेकिन ये मैदान ही कुछ ऐसा है जो बड़ी पारी के लिए जाना जाता है। उन्हें सीजन में 15.50 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन इस मैच में तो वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद सुनील नरेन का नंबर आता है। बॉलिंग में तो अभी तक उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया है, लेकिन बैटिंग में देखना होगा। जिन्हें सीजन में 12.50 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी सुनील नरेन को। दिल्ली के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली एक ऐसी अकेली टीम है जो अब तक फाइनल नहीं खेल सकी है। हालांकि दिल्ली टूर्नामेंट की शुरुआती 2 सीजन में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, वहीं कोलकाता 2 बार खिताब जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली अब तक कोई भी फाइनल मैच नहीं खेली है। में कोलकाता का सक्सेस रेट 52.76% है। कोलकाता ने कुल 181 मैच खेले हैं, जिसमें 94 में उसे जीत मिली है और 87 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दिल्ली का सक्सेस रेट 44.10% है। ऐसे में दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो आपको कोलकाता नाइट राइडर की सक्सेस रेट ज्यादा मिलेगी। ऐसे में दोस्तों दिल्ली ने अभी तक कुल 180 मैच खेले हैं, जिसमें 79 मैच में उसे जीत, लेकिन 99 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये दिल्ली कैपिटल्स पुरानी टीम नहीं रही है। इस दिल्ली कैपिटल्स में युवाओं की भरमार है। युवाओं के साथ साथ एक्सपीरियंस जैसे रविचंद्र अश्विन जैसे बॉलर्स का एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाता है। युवाओं में भी वो खिलाड़ी जो आज के टाइम में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की लिस्ट में टॉप में आते हैं, जैसे ऋषभ पंत, जैसे श्रेयस अय्यर, गब्बर जो एक अनुभवी बल्लेबाज हैं वो भी इस टीम में शामिल है। उसके बाद रविचंद्र अश्विन आते हैं, हिटमॉयर आ जाते हैं, तो विस्फोटक है और बड़ी अमेजिंग टीम है। दिल्ली कैपिटल्स ने आज कई सारे रिकॉर्ड और इतिहास रचते हुए IPL का सबसे महसे में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सीजन का सबसे बड़ा 229 रन का टारगेट दे दिया है। इससे पहले किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल को इसी मैदान पर 224 रन का टारगेट दिया था, लेकिन दोस्तों वहां पे कमाल की बात ये भी थी कि राजस्थान रॉयल ने उस टारगेट को सेज भी कर लिया था। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर के ऊपर कई सारी निगाहें होंगी, कई सारे बातें होंगी, क्या वो इनको सेज कर पाते हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी होगी कि आंद्रे रसेल के ऊपर काफी हद तक निगाहें होगी। आंद्रे रसेल किस एंगल से इस मुकाबले को रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे विस्फोटक पारी की जरूरत तो रहने वाली है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो दिनेश कार्तिक और बाकी कई खिलाड़ी है वो नॉर्मल एंड एवरेज खिलाड़ी है, लेकिन अब यहाँ पे आंध्र रिजल्ट्स की काफी हद तक डिमांड होने वाली है। और दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि स्पिनर कुलदीप यादव को जो कोलकाता की टीम से बाहर किया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, वहीं ईशांत शर्मा और अक्षर पटेल को बाहर किया गया है और रविचंद्र अश्विन और हर्षल पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, इस टॉपिक के बारे में भी आपकी क्या राय है नीचे आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो पिच से बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, यहाँ स्लो विकेट होने के कारण स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टॉस जीतने वाली टीम है, अब जो शारजाह में टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है। शारजाह में पिछले 13 T20 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का जो जीत का सक्सेस रेट है वो 69% रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो पहले बल्लेबाजी करेगी दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर में, उनके बैट्समैन को आप प्रेफर कर सकते हैं। जो बाद में बॉलिंग करेंगे उनके बॉलर को आप प्रेफर कर सकते हैं। अब आपको हालिया फॉर्म के आधार पर चूज करने हैं उनमें से खिलाड़ी। और भी बहुत सारे फैक्टर है जो शारजाह में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे, जैसे इस मैदान पर अब तक कुल T20 हुए हैं 13, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 9 बार और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती है 4 बार। पहली पारी में टीम का औसत स्कोर है 149 और दूसरी पारी में टीम का औसत स्कोर है 131। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसका पलड़ा भारी रह सकता है। अब देखो कौन सी टीम जीतेगी, हमारे ड्रीम 11 में ये जरूरी नहीं है। हमारे ड्रीम 11 में ये जरूरी है कि जो पहले बल्लेबाजी करेगा उनके बैट्समैन फॉर्म में रहेंगे, तो हम उन बैट्समैन को उठा सकते हैं और अपने ड्रीम 11 में उन्हें जगह दे सकते हैं। सिंपल सी है ना।
ना भाई, जो फैक्टर काम करेंगे उसी अकॉर्डिंग हम टीम चुनेंगे, अदरवाइज तुक्का मारने से तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप दोनों इन टीमों की सक्सेस रेट की बात करते हैं तो कोलकाता का सक्सेस रेट 52.76% है। कोलकाता ने अब तक 181 मैच खेले हैं जिसमें 94 में उसे जीत मिली है और 87 में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली का सक्सेस रेट 44.10% है। दिल्ली ने कुल 180 मैच खेले हैं जिसमें 79 में उसे जीत मिली है और 99 में उसे हार का सामना करना पड़ा। दो मैच बेनतीजे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बात साफ है कि कोलकाता नाइट राइडर अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है तो कोलकाता नाइट राइडर के आपको ऑलराउंडर ऐसे चूज करना है जो बैटिंग प्रेफर करेंगे आज।